नमस्कार दोस्तों, जिसने जैसे सोच लिया वैसे हैं हम, बाकी मेरे ईश्वर जानते हैं कि कैसे हैं हम। नमस्कार दोस्तों, जय बजरंगबली, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं आपके राशिफल के बारे में। आज आपका 16 जनवरी दिन मंगलवार कैसा रहने वाला है, आपको आने वाले समय में किन चीज़ों से सावधान रहना होगा और आप सभी को इस समय में वह कौन सी बड़ी उपलब्धियां मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा, जिसमें हम जानेंगे आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा, कार्य संबंध और क्षेत्र में कौन सी बड़ी उपलब्धियां मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज का पंचांग है 16 जनवरी 2024 दिन मंगलवार। आज की तिथि है सृष्टि। आज का नक्षत्र है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। आज सूर्यदेव उदय होंगे सुबह 6:18 पर और सूर्यदेव अस्त होंगे शाम 5:16 पर। दोस्तों, आज आपका शुभ समय है सुबह 8:56 से दोपहर 12:13 तक रहेगा। यदि आपको कोई भी शुभ काम करना हो इसी समय करें, ये आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। और इसके साथ ही साथ आज का अशुभ समय है दोपहर 3:06 से शाम के 7:02 तक रहेगा। दोस्तों, इस समय कोई भी अशुभ कार्य यदि आप करेंगे तो दोस्तों वह आपके लिए थोड़ा घातक रह सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आपके राशि के महाराशि फल के बारे में। आज आपका लकी नंबर है 3 और लकी कलर है केसरिया और लाल। अब बात करते हैं आपके कुछ खास सावधानियों के बारे में। दोस्तों, समय से मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों को उपलब्धियां मिल सकती है। आपके अड़ोस पड़ोस में जो लोग हैं जो आप लोगों को बर्बाद करने के बारे में सोच रहे हैं, उन लोगों से अभी नाता तोड़ दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही साथ हम आप सभी को ये भी बता दें कि कोई कितना भी बुरा आपके संग क्यों ना कर ले, लेकिन ईश्वर आपके साथ है और उसकी कृपा आप पर बन चुकी है। इसलिए अब आप लोगों को समय रहते हुए संभलना होगा, नया कार्य करना होगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपके महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में। दोस्तों, रिश्तों को सुमधुर बनाने के लिए आप लोगों को कार्य क्षेत्र करने की आवश्यकता रहने वाली है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इन दो दिनों में संभल कर चलना होगा। भगवान आपके साथ है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अपने जीवन में मुसीबतों का मोल ना लें। अपने जीवन में गलत चीज़ों को त्याग दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही साथ तभी आप लोगों के जीवन काल में खुशी की योग्यताएं आ सकती हैं। खुशरबी कबरी आपके जीवन में कुछ ऐसी ही अब आने वाली है। दोस्तों, अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। जिस चीज़ की बहुत दिनों से परिकल्पना कर रहे थे वह समय सब आपको मिलने वाला है। ये समय बेहतर रहेगा। कई लोगों का संयोजन कर सकते हैं। यदि खरीदारी पे जाएं तो ज़रूरत से ज़्यादा जेब झीली करने से बचें। आपको बता दें कि संतुष्ट करने से आपका जीवन साथी का भी कोशिशें कर सकता है। और हाँ, बचपन की यादें आपके मन पर छाई रहेंगी, लेकिन इस काम में आप खुद को मानसिक तनाव दे सकते हैं। आपके तनाव और परेशानी की एक बड़ी वजह बचपन की मासूमियत को जीने की चाह है, इसलिए थोड़ा खुलकर जिए। अनचाहा कोई मेहमान आज आपके घर आ सकता है, जिसके आने से आपको घर के उन सामानों में भी खर्चा करना पड़ सकता है जिनको आपने अगले समय पर टाला हुआ था। अपने परिवार की भलाई के लिए मेहनत करें। आपके कामों के पीछे प्यार और दूरदृष्टि की भावना होनी चाहिए, ना कि लालच तथा लोगों के प्रति गुस्सा। मेहनत का फल मिलेगा आपको, पहचान और इज्जत भी आप लोगों को मिलेगी। वित्तीय स्थिति बेहतर रहेगी, ऑफिस में तारीफ मिलेगी, वेतन में बढ़ोतरी भी संभव है। दोस्तों, शैल क्षेत्र वाले लोग भी लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। आज आप अपने परिधान में नीला रंग शामिल करें, इससे दोस्तों सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी तथा आज इस बात की संभावना है कि आपको साझे प्रयोग की किसी चीज से त्वचा का संक्रमण हो सकता है। इसीलिए अपने नहाने धोने तथा साफ सफाई की चीजों को ध्यान पूर्वक अलग तथा साफ सुथरा ही रखें। आइंदा दोस्तों, आप लोगों को अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए अतिरिक्त साफ सफाई ध्यान रखनी होगी। दोस्तों, आपको अपनी आंखों को धूल मिट्टी से भी बचाना होगा, नहीं तो आंखों में भी एलर्जी की संभावना हो सकती है। और हाँ, इस समय आपको अपने परिवार से वित्तीय मांगों की सूची मिल सकती है। ये आपके परिवार के प्रति आपकी प्रतिबद्धता है और आपको उन्हें पूरा करना ही होगा। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि ये आपको अत्यधिक लगे,
लेकिन ये वास्तव में उचित है। लेकिन चिंता ना करो, क्योंकि दोस्तों आप सभी की उम्मीदों को पूरा करने में सक्षम है, और दोस्तों ये चीज आपके रिश्तों को और गहरा करेगी तथा आप एक शांतिपूर्ण मानसिक स्थिति में हैं। और आज आप अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना आसान रहेगा। आज आप अपने करियर के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने में आप सक्षम रहेंगे, लेकिन अपने वरिष्ठ अधिकारियों से समर्थन की कमी की वजह से आप थोड़ा पीछे हटने को मजबूर हो सकते हैं। इसलिए आप उन्हें मनाने के लिए प्रयास करें ताकि सब अच्छी तरह से पूर्ण हो और आप ख्याति एवं धन प्राप्ति की तरफ अग्रसर हों। साथ ही में आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का प्रवेश होगा। दोस्तों आपको ये अचानक लगने लगेगा कि जीवन में परिवार तथा करियर में संतुलन बनाना काफी आसान हो गया है। आपकी सारी हिचकिचाहट दूर हो जाएगी और आपके सब काबू में एक नया आत्मविश्वास दिखाई देगा। आप घर या कार्यस्थल पर किसी करीबी की असमंजस की भावना को भी आज दूर कर पाएंगे तथा दोस्तों आज आप थोड़े से घमंड के मूड में रह सकते हैं। अपनी इस साहसी पूर्व ऊर्जा को ऐसे लोगों का सामना करने के लिए बचाए रखें जो आपकी विश्वसनीयता पर संदेह जाहिर कर सकते हैं, लेकिन यदि आप खुद को उनकी बातों से प्रभावित होने देंगे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। इन सबसे बचने का दोस्तों सबसे अच्छे तरीका केवल यही है कि आप या तो किसी फिटनेस कार्यशाला में भाग लें या किसी कैंप में जाकर के मजे करें। साथ ही में दोस्तों लालच आज आपके रास्ते में दिखाई दे सकता है, लेकिन आवश्यक है कि आप सही मार्ग पर चलें। दोस्तों गलत और छोटे रास्ते अंत में आपके करियर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। सही रास्ता चुनना इतना आसान नहीं होगा और यह तभी हो सकता है जब लालच आप पर हावी ना हो। अगर आप अपने से ये नहीं कर सकते हैं तो एक सच्चे शुभचिंतक की सहायता आप ले सकते हैं जो आपको मजबूत रहने में मददगार साबित होगा। आपके दिमाग में आज कोई अद्भुत विचार आ सकता है और आपको इसे हाथों हाथ केवल इसीलिए रद्द नहीं कर देना चाहिए क्योंकि आपको इसका हो पाना मुश्किल लग रहा है। तथा दोस्तों आपकी सफलता हासिल करने की इच्छा आज और बलवती होती जाएगी। दोस्तों आप आज अपनी लिखित और वत्ता में शिकार के लिए कोशिश कर सकते हैं। सफलता के लिए महत्वपूर्ण टिप्स पर पढ़ें या किसी कुशल आदमी से मार्गदर्शन लें। हालांकि इन सब के चक्कर में दोस्तों उनकी भी उपेक्षा ना करें जो लंबे समय से आपके ध्यान और समय की प्रतीक्षा में है। और हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य और कल्याण की यदि बात करें तो दोस्तों आपकी भावनाएं उफान पर रहेंगी और आपको खास परेशानी आ सकती है। इसके साथ ही साथ अपने जीवन में हो रही बदलावों को दोस्तों अच्छी तरह से बदलें और आप अपने भविष्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। दोस्तों अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, अपनी भावनाओं के तूफान में बहकर कोई भी फैसला करने से पहले एक बार आप फिर से सोच लें। इस स्थिति में थोड़ी राहत पाने के लिए वह कार्यकलाप अवश्य करें जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। इस तरीके से दोस्तों आप मानसिक रूप से संतुलित होने तक अपने ध्यान को बांट पाएंगे दोस्तों, तथा आप थोड़े समय चलने वाले अस्थायी किस्म के संबंधों से ही संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन अब आपको अच्छा प्यार पाने की इच्छा जाग उठी है। आपको थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है, यह आपके सच्चे रिश्ता बनाने के रास्ते में बाधा का काम करता है। अपने मूड के बदलावों पर नियंत्रण रखें और बहुत ही जल्द आपको किसी बहुत अच्छे व्यक्ति का साथ मिल सकता है। करियर और धन राशि फल की यदि बात की जाए तो दोस्तों आज बड़ी और छोटी सफलताएं आपके कार्य क्षेत्र में दस्तक दे रही हैं। आपके द्वारा एक समय पर प्रदान की गई सेवाओं के लिए आपको कुछ भुगतान प्राप्त हो सकता है या आपको एक अप्रत्याशी बोनस मिल सकता है। दोस्तों एक लंबे समय से जो पदोन्नति अटकी हुई थी वह आपको मिल सकती है या आपका पद ऊंचा हो सकता है और अलग से एक केबिन भी आपको मिल सकता है। बेरोजगार युवक या वे लोग जो अपनी मौजूदा नौकरी छोड़ना चाहते थे उनके लिए भी आज शुभ संदेश मिल सकते हैं। दोस्तों आप अपने विस्तृत होते हुए परिवेश के बारे में बहुत अच्छा सोच सकते हैं, लेकिन आपके परिजन इसी को लेकर के परेशान होंगे। दोस्तों इसके लिए स्वयं को आपको समर्पित कर देना है। दोस्तों पर्दे के पीछे काम ना करें, आप जो भी कर रहे हैं उसके बारे में जानने दें। अपने जीवन में आए किसी नए दोस्त से आपको काफ़ी लगाव का अनुभव होगा। साथ ही में दोस्तों प्यार और संबंध राशिफल की यदि बात करें तो दोस्तों आप जिस तरीके से रोमांटिक महसूस कर रहे हैं उसे खुद आपको भी अचरज होगा। आज तो दोस्तों संभावना ये है कि आप ऐसे बोल्ड तरीके से व्यवहार कर सकते हैं जैसे आप सामान्य तौर पर कभी नहीं करते। इससे सभी को अचरज होगा, आपके पार्टनर भी चौंक तो जाएंगे ही लेकिन खुश होंगे। लंबी रोमांटिक सैर पर जाकर
एक साथ समय बिताकर इस मौके का पूरा फायदा उठाएं। इसी के साथ उपाय की यदि बात करें तो दोस्तों महादेव जीव का नाम 108 बार करें, आपकी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी तथा आपका भाग्यशाली रंग है भगवा और भाग्यशाली अंक 9। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।